तो आज हमारा था डे सेकंड बाली में। तो हम लोग सुबह जल्दी से उठ गए थे और ना मैं थोड़ा प्रॉपर्टीज़ वगैरह घूम रही थी। यहाँ पे जो आपको मैं सामने दिखाई थी ना, वो एक स्विमिंग पूल है और एक यहाँ पे भी स्विमिंग पूल था। और हमने ना जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया था, तो ब्रेकफास्ट में कुछ ये सब था तो हमने खाया। और खाने के बाद फिर हम लोग को निकलना था, क्योंकि हमारी हमारा जो कैब ड्राइवर है ना, वो हमको टाइमिंग बता दिया था कि वो 9 बजे तक हमको होटल में लेने आ जाएंगे। तो हम एक बार रूम भी चले गए थे और रूम में जो भी हम लोग सामान वगैरह लेना था, हम सामान में लेके हम नीचे चले गए थे, क्योंकि हमारा कैब ड्राइवर आ चुका था। तो हम यहाँ से अभी निकलेंगे और आज हम लोग बहुत सारे जगह घूमने जाने वाले हैं। तो आप इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे लैंपियांग टेम्पल, जो कि वहाँ पर बहुत ही फेमस टेम्पल है। इसे गेट ऑफ हेवन भी बोलते हैं एंड दिस इज़ द मोस्ट फेमस स्पॉट इन बाली। तो यहाँ तो फ़ोटो खिंचवाना इज़ मैंडेटरी, मतलब आप जो बाली गया है उनके फ़ोटोज़ में तो आप यहाँ के फ़ोटोज़ ज़रूर देखोगे। और आपको पता है, इस जगह में फ़ोटो खिंचवाने के लिए आपको 4 से 5 घंटा वेट करना पड़ेगा। मतलब कि मैं तो ये कमी बता रही हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सुबह आते हो ना, तो आपका ये नंबर जल्दी आएगा। मतलब वहाँ पर ना वो लोग टिकट देते हैं, मतलब आप जैसे ही टेम्पल के अंदर जाओगे ना, तो आपको टिकट देंगे वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए। वहाँ इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई रहती है ना, कि मतलब आप सोचो कि हम इतना जल्दी 9 बजे निकल के वहाँ पे गए, बट हम लोग को जाने में पहुँचने में भी टाइम लगा। मतलब कुछ 1-1.5 घंटा हमको लगा जाने में, बट हमारा नंबर आया था मतलब दोपहर के भी बाद, मतलब मेरे ख्याल से 2 या 3 बजे हमारा नंबर आया था। और लोग वहाँ पे, कई लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े भी रहते हैं, और कुछ लोग को, मतलब कुछ लोगों को अगर जाना होता है ना, तो वो फ़ोटो बिना खिंचवाए भी चले जाते हैं। बट मुझे तो मन था कि मैं वहाँ पर फ़ोटो खिंचाऊँ, क्योंकि यार आप दोबारा उस जगह में वापस तो नहीं आ सकते या वापस तो नहीं जाओगे घूमने के लिए, तो वो चीज़ मिस हो जाती। तो मैं हमेशा ये चीज़ का ना ध्यान रखती हूँ, मैं कोई भी स्पॉट छोड़ती नहीं हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं फ़ोटो तो खिंचवाऊँगी ही, ऐसा मैंने सोच लिया था। और यहाँ पर ना हम लोग कुछ रील्स वगैरह बना रहे थे, तो वहाँ पर जो हमारी फ़ोटोग्राफ़र थी ना, मतलब वहाँ पर ना वो लोग फ़ोटोज़ भी क्लिक कर देते हैं जो हम लोगों को घुमाते हैं ना, जो हमारे गाइड होते हैं जो भी। तो वहाँ पर ना वो हमारा वीडियोज़ वगैरह भी बना रही थी, तो हमने इसमें बहुत सारे रील्स वगैरह भी बनाया, तो जिसको मैंने ना अपने इंस्टाग्राम पेज में भी डाला है। और ना वहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि हम ना इस स्पॉट में आपको लेके जाएंगे, और वहाँ पे हम आपके फ़ोटो भी क्लिक करके देंगे आपके खुद के फ़ोन से, और वीडियोस रील्स आपको जो बनवाना है आप उनसे बनवा सकते हो। तो ऐसे वो लोग ना, जैसे गाड़ी दिख रही है ना, ऐसे करके ना लोग पीछे बैठा के ले करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप वॉक करके तो नहीं जा सकते, क्योंकि वो थोड़े से ऊपर हाइट में है। तो वो ना फ़ोटोज़ वगैरह भी आपके क्लिक कर देंगे और रील्स वगैरह भी बना देते हैं। आपको जितने हज़ारों फ़ोटो लेने ना, आप 1000 फ़ोटो ले सकते हो। वो लोग सब चीज़ करके देते हैं, बट उसके लिए वो लोग पैसे चार्ज करते हैं। तो हमारे इसमें ना उन्होंने, मतलब पर हेड उन लोग चार्ज करते हैं, तो हम लोग को 4 लाख इंडोनेशियन रुपीज़ लगा था, जो कि 2000 समथिंग इंडियन रुपीज़ होता है। बाली के आप कोई भी वर्शिप प्लेस में या होली प्लेस में जाओगे ना, तो आपको वहाँ का जो बालीनीज टेंपल अटायर होता है ना, आपको वो पहनना पड़ेगा। उसके बिना वो आपको ना एंट्री करने नहीं देते। आप फ़ोटो में देख सकते हो, इस टाइप का वहाँ का ना ड्रेस रहता है, और उस ड्रेस का नाम होता है सरोंग। तो चाहे बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, जो भी हो, आपको वो पहन के ही टेम्पल के अंदर जाने मिलेगा, वरना आपको घुसने नहीं देंगे। उनका कहना ये था कि आप जब तक यहाँ वेट करोगे, उससे अच्छा आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा के वहाँ से आ सकते हो, क्योंकि वहाँ का व्यू वगैरह भी बहुत अच्छा है। आपको वो ना कैटलॉग भी दिखाएंगे, तो हमने भी देखा था, और सच में वो वर्थ इट लगा था। हम मतलब जब सामने से देखे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो हम लोग को तो वर्थ इट लगा वो जगह जाना। उसके बाद हम वहाँ से वापस आए ना, तो हमारा टर्न भी आ चुका था, और उसके बाद हम यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं, जिसका मैंने फ़ोटोज़ वगैरह डाली भी हूँ, अपने इंस्टाग्राम पेज में भी डाली हूँ, और मैं अपने चैनल में भी फ़ोटोज़ वगैरह डाली हूँ। उसके बाद इतने देर वहाँ पे वेट करने के बाद, उन फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद, हम दूसरी जगह आ गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं तीर्थ गंगा। यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। आप देख सकते हो कि कितना सुंदर, मतलब ऐसे गार्डन जैसा बना हुआ है, दोनों साइड पानी है, और इतने सारे फ़िश वगैरह, और इतने कलरफुल फ़िश है। और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी उस टाइम पे चल रहा था, बट टूरिस्ट वहाँ पे आ ही रहे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे छोटा सा से पॉन्ड जैसा बना हुआ है, और वो काफ़ी सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे इतना फ़ोटोज़ वगैरह सब क्लिक करवा रहे थे। और यहाँ बीच में ये ऐसे ब्लॉक्स देख रहे हो ना, इसमें खड़े होकर सब इसको क्रॉस करके जा रहे थे, और इसी में ही खड़े होकर सब फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवा रहे थे। तो वो दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा था।
और यहाँ पे ना आपको शॉप भी मिल जाएगा, अगर आपको फ़िश को फूड वगैरह खिलाना है ना तो वो भी आप यहाँ पे उनको दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो कितने सारे फ़िश हैं और कितने बड़े फ़िश हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था इन लोग को यहाँ पे ऐसे देख के। तो फिर हम लोग सोचे कि ना हम लोग भी यहाँ बीच में जाते हैं और यहाँ पर जाके ना हम भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते। तो मैंने यहाँ पर भी बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराई और वीडियोज़ वगैरह भी बनाई थी। तो यहाँ पर ना अगर एक जन कोई खड़ा हो जाएगा ना तो दूसरा जाने के लिए जगह ही नहीं होगा। मतलब इतनी मुश्किल से हम यहाँ से क्रॉस करके गए थे, बट ये सच में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना यहाँ का व्यू, तो यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। मतलब आप देखो कितना मस्त लोग इंजॉय कर रहे हैं और ये जगह को इस तरीके से बनाया गया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस जगह में इतना ज़्यादा पीस लग रहा था ना, मतलब यहाँ पे पानी का आवाज़ और यहाँ पे मछलियों को देखना और उनको दाना देना, वो लोग खा रहे हैं वो सब देखना और वो साउंड को फील करना, मतलब वो इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा था ना। तो मैं अभी ना मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं अपने आप को म्यूट करके मैं सिर्फ आपको ये साउंड सुनाती हूँ, आप सुनना, सच में बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है। और यहाँ भी सब पोज दे दे के फ़ोटोज़ वगैरह ही क्लिक करवा रहे थे। मतलब एक जगह अगर कोई बैठ गया या खड़ा हो गया ना तो वो जगह खाली करना मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे लोग वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने में। हम लोग तो ज़्यादा टाइम नहीं लिए क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ हो रही थी, मतलब सब लाइन से पीछे खड़े थे। तो ये जगह का नाम है गोलावा टेंपल, बट यहाँ कोई टेंपल नहीं है, यहाँ पे ना पूरा ब्लैक सैंड है। मतलब वहाँ पे जितना भी सैंड है ना एकदम प्योर ब्लैक होता है ना, वो हमको वहाँ पे ब्लैक सैंड मिला था। तो हम लोग वहाँ से बस फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा के वापस आ गए थे और उसके बाद बाली स्विंग जो कि एकदम मेरे लिए मस्ट था वो तो मैं करी ही थी, अंकुर तो नहीं किए थे बट मैं की थी, मुझे वो बहुत पसंद है। तो बाली स्विंग में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था वहाँ पर ना आपको, और ये ना काफ़ी हाइट में, और वहाँ के फोटोग्राफर्स इतने अच्छे हैं ना कि वो आपको सब बताएंगे। The try, kiss, kiss for kiss, one kiss. Oh, oh my! Face to face. सुना आपने, मतलब वो खुद ही बताते हैं कि आपको क्या पोस्ट करना है क्या करना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था वहाँ पे। और इसके बाद हम चले गए थे किंतामणि वॉल्केनो देखने के लिए, और वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये वॉल्केनो ना अभी भी एक्टिव वॉल्केनो है, तो ये भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब और इसके साइड में ना रेस्टोरेंट भी थे, मतलब वहाँ पर आप बैठ के खाना भी खा सकते हो और वहाँ पर हर टाइप के फूड थे, मतलब इंडियन फूड भी थे और बालीनीस के, मतलब बाली के जो ट्रेडिशनल फूड है ना वो सब भी वहाँ पर थे, तो आपको जो भी खाना आप वहाँ खा सकते हो। उसके बाद हम आ गए थे राइस टेरेस, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बहुत ही अमेजिंग लग रहा था दिखने में, और यहाँ पे ना ये कुछ आर्ट्स थे तो मैंने उसका भी वीडियो वगैरह ले रही थी। सो व्हाट टाइम आई पिक अप यू, कैन यू प्रॉमिस मी व्हाट टाइम यू डन दिस इज 6:20। और उसके बाद हम अपने मेन स्पॉट आ गए थे जहाँ पे मैं और अंकुर जाना चाहते थे बहुत टाइम से। मतलब हम लोग ना इसको ना इंस्टाग्राम में फेसबुक में बहुत जगह देखे थे, फिन्स क्लब जो कि वहाँ का सबसे फेमस क्लब है, तो ये ना यंगस्टर्स के लिए है। मतलब वहाँ पे तो काफ़ी, मतलब जो फॉरेनर्स थे ना वहाँ पे काफ़ी एज के फॉरेनर्स भी आए थे, बट हमारे लिए तो मतलब यंगस्टर के लायक ये जगह है। और काफ़ी सुंदर था ये जगह, मतलब मैं पहले ही सोच के रखी थी कि हम जब भी बाली जाएंगे तो ये जगह तो हम ज़रूर जाएंगे। मतलब आप अगर बाली गए हो और फिन्स क्लब नहीं गए हो तो फिर क्या ही मज़े किए इस टाइप का बोल सकते हो। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा क्राउड था ना वहाँ पे और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर आपको जितने सीट्स दिख रहे हैं ये सारे बुकड सीट्स हैं, मतलब ये चीज़ हमको नहीं पता था, ये चीज़ हमको बाद में पता चली थी, और वहाँ पर कोई भी सीट खाली नहीं थी, सब बुक। तो आप में से कभी कोई प्लान कर रहा है बाली जाने के लिए और फिन्स क्लब जा रहा है ना, तो आप अपना यहाँ पे सीट ना पहले से बुक करवा लेना। अदरवाइज़ अगर आपको अलग से कोई सीट अगर कहीं पे भी आप बैठ सकते हो वहाँ पे तो आप बैठ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बैठने का भी सीट था और अंदर रेस्टोरेंट भी है तो आप वहाँ पे भी बैठ सकते हो। तो हम लोग तो रेस्टोरेंट के अंदर जाके बैठे थे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बुक थे और
यहाँ का जो ये बुकिंग कॉस्ट है ना वो समथिंग अराउंड 50 लाख था एज़ पर इंडोनेशियन रुपीज़, और अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताऊँ तो वो कुछ 10,000 था, 10,000 इंडियन रुपीज़। मतलब ये बहुत ज़्यादा ही हाई, मैं शायद कम या ज़्यादा बोल रही होंगी, हो सकता है, बट ऐसे ही वहाँ का रेट है। मतलब बहुत ही यहाँ का रेट बहुत हाई, तो हर जगह का जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, हर जगह का कॉस्ट यहाँ अलग अलग है। मतलब आपको बीच साइड अगर चाहिए ना सिटिंग का, तो वहाँ का रेट तो और हाई है। मतलब मेरे ख्याल से मैं कम ही बोल रही हूँ, उससे भी ज़्यादा होगा। और ऐसे अगर आप नॉर्मल बाहर के साइड या यहाँ पे जो सिटिंग दिख रहा है ना वहाँ पे बैठोगे तो उसका रेट थोड़ा सा कम है। तो ये एज़ पर सिटिंग अरेंजमेंट वो लोगों ने यहाँ का सब कुछ रूल बनाया है, अलग अलग स्पेसिंग का अलग अलग कॉस्ट है। तो वहाँ आपको ना अलग अलग, मतलब आप वहाँ पर पता करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सीट का क्या प्राइस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूल में भी इतने सारे लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मतलब बहुत ही सही माहौल था, मतलब यंगस्टर्स के लिए तो बहुत ही सही जगह है। मैं तो ये बोलूँगी कि अगर कोई भी कपल जा रहा है और मतलब कोई अच्छे जगह जाने का सोच रहे हैं, मस्ती करने का सोच रहे हैं, तो ये तो क्लब बेस्ट है, यहाँ आपको जाना ही चाहिए। और यहाँ सच में टाइम इतना जल्दी निकल जाएगा ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कब इतना देर हो गया। मतलब हम लोग ऐसा लग रहा था कि अभी तो आए हैं, मतलब शाम को ही आए थे और इतने जल्दी रात भी हो गया था, और पता ही नहीं चला टाइम का कि इतना जल्दी यहाँ पर रात हो गया। आप देख सकते हो साइड में पूरा वहाँ पर ना बीच है, और बहुत ही अमेजिंग व्यू लग रहा था। और उसके बाद ना हम लोग अंदर आ गए थे, और अंदर का भी माहौल बहुत सही था। यहाँ पे हम लोग बैठ के ना हमने कुछ खाना वाना ऑर्डर किया, क्योंकि हम लोग सोचे थे कि हम डिनर वगैरह यहीं से ही करके जाएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए थे डिनर करने के लिए, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा, मतलब लाइट्स, म्यूजिक, सब कुछ बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अमेजिंग था। बस यही है कि यहाँ के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब फिंस क्लब। और यहाँ आने के बाद हम लोग को समझ आए कि ना इस जगह पर लेट आने से नहीं चलेगा भाई, यहाँ अगर आना है ना तो आपको बहुत जल्दी आना पड़ेगा और टाइम लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम इतना जल्दी निकल जाएगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब आप ऐसा लगेगा कि आपने कुछ इन्जॉय ही नहीं किया। हमारे साथ भी यही हुआ था कि हम ना सुबह अपना पूरा ट्रिप करने के बाद इस जगह पे आए थे, क्योंकि हमारा जो आइटनरी बना था ना वो ऐसा बना था कि पूरे दिन हमारा ट्रिप था, तो हम लोगों ने टाइम निकाल के शाम को यहाँ पर आए थे, क्योंकि हम लोग को ये जगह जाना ही था। तो हमने अपने ड्राइवर को खास बोला था कि आप कैसे भी टाइम निकाल के, टाइम एडजस्ट करके हमको फिंस क्लब जाना ही है, तो हमको वहाँ पर तो आप लेकर ही जाना। तो हम लोग ने टाइम एडजस्ट करके यहाँ पे गए। हम लोग को अगर पहले पता होता ना तो हम सिर्फ एक दिन फिंस क्लब के लिए निकालते।
तो देखा आपने यहाँ पे कितना ज़्यादा मस्ती होता है और कितना ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आएगा मैं नहीं सोची थी। मुझे लगा था कि ये बाकी क्लब्स की तरह ही होगा नॉर्मल, बट ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैं तो सच में सजेस्ट करूँगी कि अगर जो भी बाली जा रहा है तो फिंस क्लब को तो बिल्कुल मिस नहीं करना, अगर आप लोगों को ऐसा माहौल पसंद है तो, क्योंकि हम लोग इन्जॉय करते हैं, मतलब मैं और अंकुर तो बहुत इन्जॉय करते हैं, हम लोग को मज़ा भी आता है। तो हम यहाँ पर काफ़ी देर थे और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से। तो आज का ट्रिप हमारा फिंस क्लब के बाद ही ख़त्म होता है, उसके बाद हम इतना ज़्यादा थक चुके थे यहाँ से। तो फिर हम और यहाँ ना कुछ ऐसे एंट्री फ़ीस तो नहीं लगती है, बट आप अंदर आओगे ना तो उसके पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेकिंग होती है। आप कुछ भी बाहर का सामान अंदर पे नहीं लेके जा सकते हो, जो भी आपको लेना है ख़रीदना है आप अंदर से ही ख़रीद सकते हो, मतलब आपको खाना वगैरह या जो भी ड्रिंक्स वगैरह जो भी चाहिए ना आप अंदर से ही ले सकते हो, बाहर से कुछ भी नहीं लेके जा सकते। तो वो चीज़ सिक्योरिटी चेकिंग वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली होता है। और यहाँ पे सिर्फ फिंस क्लब ही नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारे क्लब्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब वहाँ पे मतलब मोस्टली इसी लाइन पे ना बहुत सारे आपको क्लब्स मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्लब्स हैं। मतलब ऐसा है कि आपको जितना हाई रेट वाला क्लब चाहिए ना आपको वो वहाँ पे मिल जाएगा, मतलब मेरे ख्याल से ये तो सेकंड नंबर में है, इससे भी एक्सपेंसिव कोई वहाँ पे क्लब है जो कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो हमारे कैब ड्राइवर बता रहे थे। और ये फिंस क्लब के बगल में ही है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, शायद एरिना या ऐसे कुछ नाम है उस क्लब का, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और यहाँ ना सेफ्टी भी बकायदा आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना चारों तरफ सिक्योरिटी है, मतलब हर जगह आपको ना मतलब वॉच किया जाएगा, क्योंकि मैं ये चीज़ नोटिस की हूँ कि हर जगह वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे। तो हमने यहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती किया, बहुत ही अच्छे क्वालिटी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया, मतलब मैं अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ और वीडियोस देख रही हूँ ना तो मुझे सच में लग रहा है कि मैं ना वापस से बाली जाऊँ, और सच में मेरी इच्छा है कि ना मैं एक बार फिर से बाली जाऊँ और अच्छे से घूमूँ, मतलब मेरा मन अभी भी नहीं भर रहा है बाली से, मतलब इतना अच्छा है ये जगह। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।